बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब हो? आप सब अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस सुबह से अब टाइम मिला है क्योंकि काम में थोड़ा सा बिजी थी। पहले सारा घर साफ वाफ करा, फिर फ्रिज वगैरह लगा तो सारे में गंदा हो गया, फिर से झाड़ू पोछा करा, फिर मैं अब जस्ट अभी नहाई हूँ, फिर खाना बनाया सबका, क्योंकि फिर नीचे भी बर्तन धो के आए क्योंकि अभी कोई है नहीं। तो इसलिए अब मीनाक्षी दीदी सो गई थी क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी, वरना वो कर लेती हैं हेल्प वगैरह तो, पर वो ना सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी अपने घर के चक्कर में ना। उनके घर में भी सारे रेंटर्स वगैरह होते हैं तो बार बार फ़ोन वोन आते रहते, तो वो लेट ही सोती हैं। सो अभी नहाई हूँ मैं, अभी टाइम हो रहा है 5:36, 5:30 बजे। और अब मेरी स्किन थोड़ी सी ठीक हुई है जब मैं वो कर रही हूँ ना अपनी स्किन की गौर, वरना इस तेज़ी हो गई थी। और गाइस अभी हम जा रहे हैं घर वज़ीराबाद, कुछ बातें करनी है आपसे, आगे बाद में करेंगे क्योंकि घर इसलिए जा रही हूँ मुझे ना कुछ सामान लाना है किचन का, तो वहीं वज़ीराबाद में अंशु के साथ ले आऊँगी स्कूटी पर। ये मुझे छोड़ के या तो घर आ जाएंगे या फिर ऑफिस में बैठ जाएंगे, जिम चले जाएंगे। हाँ तो चलो चलते हैं। और ये देखो ये मेरे लिए मीनाक्षी दीदी लाई थी, अच्छा लग रहा है ना। सो चलो चलते हैं फिर, निकल रही थी घर के लिए। उससे पहले मैंने सोचा कि ना आपसे कुछ बातें शेयर कर ली जाए रिलेटेड टू माय स्किन, मतलब स्किन केयर। सो गाइज मेरी एक फ्रेंड है, सो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड है पर एक फ्रेंड है वो ना डर्मैट्स के पास जाती है, पता है मैं उसका नाम ले दूँगी ना चिढ़ जाएगी कि भाई मेरे बारे में बोला मत कर। सो वो जाती है क्योंकि वो मेरे ब्लॉग्स वगैरह में भी आती नहीं है, तो वो ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती थी हमेशा से, मैंने उसे सजेस्ट करा है। अब वो क्योर स्किन यूज़ करती है, अगर वो मेरे ब्लॉग में आएगी ना नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मतलब घर पे आएगी या आएगी मेरे ब्लॉग में, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो मेरे ब्लॉग में आती ही नहीं है, आपने अभी तक मेरी फ्रेंड को देखा ही नहीं होगा। सो वो ना डर्मैट्स के पास जाती है, मैं बेशक ना आपको नेक्स्ट टाइम जब आएगी पूछवा भी दूंगी। पता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के ना एक एक टाइम की फीस ही देती है 3-3, 4-4 हज़ार। अब तो उसकी स्किन है बहुत अच्छी क्योंकि अभी वो क्योर स्किन यूज़ कर रही है और यहाँ पर मैं क्योर स्किन की ही बात करने वाली हूँ। तो डर्मैट्स के पास जाती है, फीस देती है, कंसल्ट चार्जेस देती है और उनके दिन का वेट करती है कि कब उनकी भाई डेट मिलेगी उसको या कब क्या होगा। और उसके बाद दवाइयाँ अलग से लेती है, मतलब क्रीम्स वगैरह अलग से लेती है, तो मतलब कुल मिला के उसको मंथली 3-4 बार जाना पड़ता है और 3-4 बार के उसके 5 से 6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये उसको डर्मैट्स को देने पड़ते हैं, जो कि मैंने ये सब चीज़ें करी कभी नहीं करी। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा मैं कभी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर स्किन डॉक्टर्स के पास नहीं गई, मैं तो घर बैठे बैठे भाई मेरे पास डॉक्टर प्रियंका है मेरी जो कि मेरी स्किन डॉक्टर हैं, मैं ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई मतलब कभी भी टाइम लेके। आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं कभी डर्मैट्स के पास गई हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा फेस अच्छा हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। हाँ मैं हाइड्रा फेशियल वगैरह एक आध बार लिए थे अगर आप लोग कहोगे तो, हाइड्रा फेशियल वगैरह अलग चीज़ होती है और डर्मैट्स के पास जाना अलग चीज़ होती है। सो मैं कभी नहीं जाती, मैं इस चीज़ को लेकर टेंशन फ्री रहती हूँ कि मुझे डर्मैट्स के पास जाके इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। एक चीज़ मेरी फायदेमंद ये है कि मैं क्योर स्किन यूज़ करती हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था, आपने मैं आपको दिखा भी रही थी 2-3 बार से ब्लॉग में कितने ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे ये वो। अब मैंने फिर से हमारा वॉशरूम बाहर वाला बन गया ना, तो उसमें सारा मैंने अपना क्योर स्किन का सामान जमा लिया है, किट मंगवाई थी मैंने, नहीं सारा सामान रखा हुआ, मैं आपको दिखा भी दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो क्योंकि मैं अब अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, अपनी स्किन की केयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल सीज़न आता है ना, तो हमारा खाना पीना बम फोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ इधर उधर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ कहीं भी जा रहे हैं, तो फेस की मेरी अच्छी खासी बैंड बन गई थी। बट अब आप देख सकते हो कि विदाउट फिल्टर है मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मैंने तो अभी कोई मेकअप भी नहीं कर रखा, बस अपनी क्योर स्किन का ही मॉइस्चराइजर लगाया हुआ और कुछ नहीं लगाया हुआ, मेकअप तो बिल्कुल है ही नहीं, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस मैं कुछ नहीं करती, बस 6 महीने हो गए हैं मुझे कंटिन्यूज वाला, भी बीच में 10-5 दिन छूट गया था बस जो मेरे पिंपल्स वगैरह आ गए थे, कंटिन्यूसली मुझे हो गए हैं 6 महीने क्योर स्किन यूज़ करते करते। वैसे तो मेरे को 2-2.5 साल हो गए बट 6 महीने से कंटिन्यूसली मेरा चल रहा है। ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स ही लगा, देखो प्रोडक्ट्स ही लगाना सॉल्यूशन नहीं है, कंसल्टेशन पूरी अच्छे से लेती हूँ मैं, डॉक्टर से अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स दिखाती हूँ और उनका जो दिया हुआ डाइट चार्ट होता है वो पूरा फॉलो करती हूँ, कितना पानी पीना है, कितना ज़्यादा प्रोटीन न्यूट्रिशन लेना है, वो सब चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, तब जाके मेरी स्किन अच्छी हुई है। और हेयर एक्सटेंशन मैंने करा रखे हैं, तब भी आप मेरे हेयर्स आगे से देखते हो कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसीलिए क्योंकि हम अच्छा खाते पीते हैं तो हमारे हेयर्स भी अच्छे रहते हैं। और ये सब चीज़ें सिर्फ क्योर स्किन में होती है, वो भी विदाउट एनी चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, मेरा सिर्फ किट का चार्ज होता है जो मैं देती हूँ। और किट मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, 1400-1500 की किट आती है, उसमें भी आपको मैं डिस्काउंट दिलवा देती हूँ अपने कोड से, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे ना मैं एक बार अपना एनालाइज लगाती हूँ, पहले आप मेरा एनालाइज देखो। मैं कभी डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह के पास, स्किन डॉक्टर्स के पास नहीं जाती क्योंकि मुझे नीड नहीं पड़ती, मैं अपना यहीं पर एनालाइज कर लेती हूँ। एनालाइज में आपको दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर, और अभी तो आपको दिख ही रहा होगा मेरी स्किन जस्ट वाओ हो रही है। सो गाइस अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके हेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो देखो क्योर स्किन एक बेस्ट ऐप है जो आपको फ्री में डाइट चार्ट देता है, मतलब आपसे फ्री में फॉलो अप लेता है हर महीने,
ठीक है आपके, मतलब अपना एनालाइज कर सकते हो, जब मर्जी एनालाइज कर सकते हो, दिन में 4 बार मन करे 4 बार एनालाइज करो। सो अगर आपको भी इतनी सारी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, हाई पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, एक्ने है, स्कार्स हैं, ठीक है, झाइयाँ झुरियाँ पड़ गई हैं, तो आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हो अपनी क्योर स्किन की ऐप से, क्योर स्किन की हेल्प से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ आपका, आप लोग वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर लो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर्स ब्लॉग देख के फटाफट जाके क्योर स्किन ऐप से अपना कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो मेरा ये कोड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, Prerna300 अप्लाई कोड लिखा था, आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो, Prerna300। आपको ये कोड यूज करते ही 300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, या 1400 या 1500 की किट है उसमें भी आपको 300 रुपए ऑफ मिल जाएंगे, 1100 या 1200 की किट पड़ेगी, तो इससे अच्छा आपको क्या ही मिलेगा। तो डेफिनेटली क्योर स्किन ऐप यूज करो, क्योंकि फ्री में सब चीजें मिल रही है, तो क्या करने में जा रहा है, 4-5 हज़ार रुपए लगाने हैं धूपों में, ठंड में, बाहर जाने के, डॉक्टर्स के पास जाने के, तो भाई वो लोग वो लगा सकते हैं, मेरे पास ना टाइम होता है ना इतने एक्स्ट्रा पैसे, तो इसलिए मैं क्योर स्किन यूज करती हूँ, क्योंकि क्योर स्किन मेरा फेवरेट वाला ब्रांड है, ऐसा ब्रांड मैंने और कोई नहीं देखा क्योर स्किन के अलावा। सो अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर पे अब आपको सब दिखाएंगे, मिलेंगे, मुझे थोड़ी सी घर की शॉपिंग भी करनी है, तो चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके एक बार चेक करके देखो। और देखो गली में घूमती मिल गई, और पता है गाड़ी देख के क्या कह रही है, पापा, वहां से इशारा करा ना इसने तो समझ आ गया। आइए आइए। क्यों? वो हम बाहर खड़े थे तेरे घर आने के लिए। तो कैसे आते? तो उसके साथ आ रहे थे सारा सामान लेके। तो उल्टे बोलो, ये गाड़ी में ही ले चलेंगे, चलो घर आइए फिर। हाँ गाड़ी आ रही, साइड जल्दी चढ़ाई से, देख देख कितनी जल्दी हो रही है इसे चढ़ने की, बिठा गोदी बिठा, देख कैसे चढ़ा रही है गुन्नू। हाँ हाँ, क्या हो गया? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया पम्पी? हाँ क्या हो गया, चल रहे हैं इसे क्या हो गया, देखने के बाद कैसे पड़ी है, चल मेरा हीरा मेरा शेरा, क्या हो गया मेरे बच्चे को, इंशू के साथ आ गई थी सामान लेने, नहीं मतलब मेरे को जो चुटमुट सामान लेना था ना, मतलब पायदान वायदान कप कप और की हैंगर वगैरह सब उसने दिला दिया, फोन पकड़, दारू के ग्लास है हमारे यहाँ, और क्या सामान है, बाल्टी कहाँ है, बाल्टी कहाँ है, पर देखिए तो मैंने तो डब्बे चेंज करा दिया यहाँ से, अपना बड़ा वाला डब्बा देखिए चेंज बोले, हम लोग जा रहे हैं घर, पुनीत गुन्नू अंशु मोना सारे, तिल्ली है इसमें, तिल्ली निकाल दे। सो चलो गाइस घर चलते हैं, पार्टी करेंगे। मम्मी कुछ खाने को बाइक पे आके लेके जाओगे या अभी ले रहे हो? अभी तो ठंडा हो जाएगा ना फिर सब। बताओ गाइस, मैं आ गई थी घर, और मेरे साथ ये सारी आफतें आई हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं ये डब्बे लेके आई थी वहाँ चाइना से, अभी जहाँ गई थी मम्मी के काजू बादाम नोके, पता है मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मैंने कैमरा ही ऑन नहीं करा था, और अभी वीडियोज बनाएगी ये पता नहीं क्या पहन के, तो ये ऐसे लगाए हैं इनके डब्बे, क्योंकि ना इसको सामने दिखते रहेंगे तो ये खाते रहता है इसलिए। और ये हमारी नन नाई नहीं है दीदी, हमारी नन नाई नहीं है गाय जी, बिना नहाए ऐसी ही है, अच्छी दिखती है, और ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं, चीजी खा रहे हैं, नो हाय, और गेट वेट ना ये देखो मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि नोना भागती है इसलिए, और ये सामान लाई थी थोड़ा पोचे वोचे, ये सब यहीं रख दिया मैंने, वहां से डब्बे महंगे लिए वो सस्ते मिल गए, इसको आई शेड लगाना है, चला जाओ उधर अंदर ही, लड्डू बिठा देना अंदर, जय ये लड्डू नहीं है, मैं नीचे गई थी चावल लेने, मैंने ये दिन में बनाए थे तो कुकर नीचे ही था, क्योंकि सबका खाना अभी तो मैं ही बना रही हूँ, तो इसके ले चावल खा ले, मैंने बनाए थे दिन में, मैं तो ले आई एक प्लेट, ले पकड़ी हूँ चम्मच ले गया हूँ, तेल ले तो वो मंगाया, पर खाना तो बना ही हुआ है, सब्जी बनी हुई है, 9:13 हो रहे हैं, और ये देखो, हाँ पीछे उतर ना, आ जा उतर, इसे ऐसे हेल्प चाहिए, और ये यहाँ पे देख रहा है पता नहीं क्या, और ये वाश कर लूँ वीडियो में लगे हुए, निन्नो बेटा आप चल रहा है टीवी, पता नहीं ये देखता है क्या, और जय मिल गई वशु की रील बना रहे हैं अभी रुक जा, अभी रुक जा, जय को मारेगी वशु को बचाने के लिए, जय को मार, जय को मार, मार जय को,
नहीं खुद ने उतारे वशु को मार रहा था ना जय, तो वशु के लिए गुस्सा हो रही है कि वशु को क्यों मार रहा था। अंजू आ गया, खुद भी रोने लग गई। आए ऊपर आ जा मैं तारी। सो गाइस हमने मंगवाया ये सब, और ये मैं मीनाक्षी दीदी नीचे है तो उनको नीचे देख आ रही हूं। आ रही हैं वो अभी ऊपर, ऊपर ही आ रही हैं अभी। कितनी देर में बस एक पे प्रेस करके आ रही हूं। एक ने तो बचेगा थोड़ी, जल्दी आ जाओ दीदी निपटा देंगे। अच्छा हां नीचे राशन में बड़ी निकालते हैं कि पीछे की तरफ आ रही हूं। अभी व्लॉग बन रहा है ना, अब मैं नहीं लाऊंगी मैं और क्या लाया है इसके लिए ना बम फोड़ रहे हम, क्योंकि ये खुश नहीं हो रही। वो देख ना, वो देख बम पीछे रह, पीछे देखो आपके लिए गाइस। इतनी बड़ी बिंदी लगाई है देखो इसने, और इसको खेलना है, खेलना है। दादी अम्मा कौन दादी अम्मा उसको देखो गाइस। मैं शादी में जा रही हूँ ना। हाँ ठीक है, अरे पार्टी में जाना है और पम्मी महाराज आए नहीं। और ये देखो मेरा नाइट सूट, नो ना ये देखो, इसको सेम नहीं पहनना मेरे जैसा उतारने के लिए कह रही है। साढ़े ग्यारह हो गए और ये हमारे घर में अभी भी चहल पहल हो रही है। टट्टी खाते हैं सब, नोना को देखो, नोना को। बुआ 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 का है, बुआ मारो इसकी, बुआ को मारो। पता क्या कर रही है दीदी, देखने कैसे कर रही है गाइस। ये नाइट सूट अभी नोना ने पहना था, अब जय ने पहना है, और इसका सेम मैंने पहना था। ये रहा हमारा, तो अपने पापा को सारे ड्रामे बता रही है अब। पार्टी में गए हुए थे, रोज ऐसे रात को आते हैं। नोना पापा को किच्ची कर लो, आपका फोन आपका व्लॉग चला के घूम रही है फोन में। मेरे पापा, मेरे पापा यूं समझा, इसके पापा बहुत बड़े स्टार है। चले चले बेटा गिर जाओगे। पम्मी इसका हाथ निकालना एक, पम्मी कल इसके लिए बॉल लिया ना बहुत सारी, बॉल के बाहर रो रही थी आज। देख सकते हैं आप, दिखाने तेरे मुंह थोड़ा मास्क लगाया दीदी ने, और वशु के भी चावल का आटा और गुलाब जल, मेथी के पराठे नहीं है, चावल का आटा है इसमें, और पता नहीं क्या क्या है, दरदरा करके ना पाउडर बनाया। ये देखो मेरे पास पड़ा हुआ था, और कुछ दीदी कलाकारी हुई है इसमें, और उसके बाद इन लोगों ने ये कर रहा है दोनों माँ बेटी ने। आपके फेस पे ज़्यादा वो है ना, इतने आँखों में चला गया फेस पे, नहीं हो रहा मेरे कुछ। अच्छा और ये इसको देखो इसके बाद पिंपल हो रहे हैं ना, इसलिए वैसे तो छोटी है, पर ये है कि ये नेचुरल है तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज अब हम लोग सो रहे हैं, दीदी अभी गई है क्योंकि हम बैठे रहते हैं बात करते करते ना टाइम कोई पता नहीं लगता। चाय वाय बनाई, चाय पी, चाय बिस्किट में लगे रहे, फिर दीदी का फेशियल वगैरह कर दिया मैंने मतलब मास्क वगैरह लगा दिया, और फिर ये आ गए थे, खाना वाना खाया उन्होंने, चाय वाय पी, और सोने लग रहे, एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं सो गए वैसे तो। सो चलो अब आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में गाइज, गुड नाइट, लव यू। मॉर्निंग, कैसे आप सब, हो आप सब अच्छे हो गए। तो ऐसे अभी मैं उठी हूँ, ब्रेकफास्ट तो कर लिया, और अब लग गई हूँ काम में, सफाई वाली दीदी तो वैसे कर गई है झाड़ू पोछा, और ये लग गए हैं उठते ही चमकाने दहेज की चीज़ें। और यार ये फ्रिज ना मतलब वैसा है ना, पम्मी हटना एक बार, ऐसा है मतलब ये ग्लास है तो इसको साफ़ करना पड़ेगा हर दूसरे दिन, है ना, हर रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ अगर गंदे लगेंगे तो ये गंदा होएगा ही। सो हाँ बताओ, तुम बताओ साफ कर दो, शर्मा रहा आने में क्योंकि थूत गंदी हो रही है ना यहाँ की, इसलिए। सो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आ गई है ब्लॉग को एडिट करने की, क्योंकि अब उठूंगी खाना वाना बनाऊंगी, आज हेयर वॉश भी करना है, आपको दिख भी रहा होगा कितना गंदा हो रहा है। भाई दूध से पहले किया था एक दिन पहले, और फिर कर ही नहीं पाई, तो ये वाला ब्लॉग कहीं पेंड करते हैं। पम्मी जा रही है बेला को वैक्सीनेशन के लिए लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ी वीक भी हो रही है इसलिए।
और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय। इस हाथ से पता क्यों ब्लॉग बनाते हो, क्योंकि इसमें नेल्स है, आटा वाटा गूनने की वजह से एक हाथ के मैं इनको हटानी पड़ गई, क्योंकि वैसे तो मैं गून लेती हूँ पर ये कभी ज़्यादा गूनना होता है कभी कम गूनना होता है, बार बार बनानी है रोटी कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए एक हाथ का उतार दिया और एक हाथ के रख दिया। नेल सके कितने सुंदर लगते हैं हाथ ना। सो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू। और आज हमारा फ्रिज ऑन हो गया, इसमें अब सामान भरेंगे, तो आप लोग बताना आपको भाई दूज पे क्या क्या गिफ्ट मिले।